एप्पल वॉच पहनता है भाई। वो भाई कॉल भी कर सकता है भाई। क्या अच्छे से बोलो ना। काशी विश्वनाथ टेम्पल कई दिन से सुन लिया हमें जब यहाँ इन्वाइट करने के लिए लाइट देखो। भैंस गाय के ऊपर रुक गए थे यहाँ पर ना भाई क्या माँ पार्वती ने बोला कि सिद्धि भगवान के राना चली गई ये पान वो आ भी जाओ। तो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है और एक नई वीडियो में और एक नई दिन। तो अभी फिलहाल हम सो के उठा हो सभी भाई लोग इधर पूरा गोल करके बैठा है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। और रात को बहुत अच्छा नींद आया। काटने के लिए कुछ नहीं था तो हमने कुल्हाड़ी यूज किया इससे ये देखो काटे है। एक इधर का एनवायरनमेंट फिलहाल ऐसा कुछ है देख सकते हो। बहुत मतलब सुबह सुबह बहुत लोग आता है इधर, मतलब गाँव का पूरा गाँव का लोग मतलब यहाँ से पानी लेता है तो ऐसा कुछ ही नहीं। तो अभी फिलहाल हम लोग कर रहा हूँ नाश्ता ये देख सकते हो। तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ पता नहीं, कुछ प्लानिंग हो नहीं रहा है इतना अच्छा से। तो लेट्स सी क्या होता है। तो हम यहाँ से अभी निकल रहा हूँ। कहाँ जा रहा हो भाई यहाँ से? मुझे तो खुद आइडिया नहीं है कहाँ जा रहा है भाई। तो भाई कुछ आइडिया नहीं एंड कहीं पे जा रहा हूँ बस। अभी यहाँ से निकल लेता हूँ और कुछ खाना भी है थोड़ा बहुत। काशी विश्वनाथ मंदिर पे हम रुका था कल जैसे कि आप लोगों को पता है। और अभी यहाँ से हम लोग निकल रहा हूँ, कहीं प्लानिंग कर रहा है कुछ एंड ओखीमठ जाने का। जो डोली तो उधर से आता है ना ओखीमठ से आएगा इधर काशी विश्वनाथ टेम्पल में एंड यहाँ से आपका पाटा में रुकेगा ऐसा है कुछ। मतलब यहाँ मंदिर में रुक के जाएगा देन हम भी मतलब सोच लिया कि पूरा हम भी डोली के साथ ही जाएंगे। तो डेट्स वाई अभी आ रहा हूँ। अभी फिलहाल का प्लानिंग कुछ नहीं पता मेरे को। रेडी हो केदारनाथ जाने ब्रदर? रेडी रहते। चलो ये देख सकते हो बारिश आ रहे है भाई। बारिश भीग रहा हो थोड़ा बहुत है ना ब्रो। बारिश आ रहे है। बारिश आ गई एकदम स्टार्ट बस निकले थे अभी। हाँ वही बारिश आ गई, दिक्कत होगा बहुत अगर ज्यादा देख गया तो। अभी हम लोग जा रहे हो जो नहीं कि भाई वो मतलब सब्सक्राइबर बोलेगा या कुछ और पता नहीं एंड वो बुला रहा है मतलब। तो हम अभी उधर ही जा रहा हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है, रूम मिलेगा कि नहीं रहने के लिए। हेलो हेलो ब्रदर विश्वजीत बोरो फ्रॉम आसाम। तो गाइस अभी समय लगभग 2 बजने वाला है और हम लोग जा रहे हो अभी लंच करने के लिए। आज तो कुछ खास ऐसा हुआ नहीं आज, मतलब हम उधर से मंदिर से आया है एक मतलब अलग जगह पे शिफ्ट हुआ। तो अभी जा रहे हो हम लोग क्या करने? हम लोग जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए, थोड़ा खाना खाएंगे, भूख लगी हुई है। चल पैदल चल रहे हैं तो फिर जरूरी है खाना खाना। शरीर पे नहीं रखेंगे ध्यान तो कुछ नहीं वाला इसमें। हाँ वही शरीर मेन होता है ना। इस होटल में आया था, इस होटल पे फिर से आ गए हम लोग भाई लोगों के साथ। अभी लंच कर रहा हूँ इधर, लेकिन मेरा वाला नहीं आया अभी तक और भाई का भी नहीं आया। चलो वो मेरा आ गया, मिर्ची का आ गया। समय वेट करने के बाद गाइस अभी आया है। तो गाइस हम लोग उधर ब्रेक लंच करके आ गया अभी रूम पे। तो रूम भी चेंज कर लिया हमने सोनू भाई की वजह से। आज हमें कुछ अच्छा जगह रहने को मिला ये देख सकते हो, ऐसा कुछ रूम है। फिलहाल भैया लोग रेस्ट कर रहे हैं, अभी रेस्ट करने देता हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ छत पे, छत से आप लोगों को व्यू दिखाऊंगा। ये देखो गाइस यहाँ से भी व्यू ऐसा कुछ दिखता है देख सकते हो आप लोग। गाइस पूरा छत पे आके सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं व्यू का, इधर मस्त व्यू है ना। तो सभी लोग छत पे आके पूरा कोई रील बना रहा है, कोई मतलब फोटो शूट कर रहा है मतलब। अरे न्योर ये गरीब क्या? ओके ठीक है जाओ 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 जाओ। मैं तो आसाम से हूँ। आसाम की क्या क्या अच्छे से बोलो ना। एनजीओ कौन सा?
असम से, असम गुवाहाटी, असम गुवाहाटी से, गुवाहाटी तो पता नहीं, असम कौन सी सिटी से है वो आपका डोज है? लाइट एक ऊपर और इतना हवा आ रही है, बोलो मत, खतरनाक वाला हवा आ रही है। ये देखो गाइस, आप लोगों को सुनाई दे रही है ना, देखो गाइस नाइट व्यू, मतलब अभी मतलब शाम का लगभग मतलब 7 बजने वाला है, अभी भी ठीक से अंधेरा नहीं हुआ है, देख सकते हो इधर। ये भाई खतरनाक वाला तबाही वाला, कौन भैया लाया ना ये? थैंक यू सो मच ग्रेप्स के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और भैया को भी, यस थैंक यू सो मच। ओके मेरा टेक तूने ले लिया, तू ले ले, क्या क्या हम दे देते हैं, क्या क्या मेरा टेक तूने ले लिया, तू ले ले। ओके ठीक है ठीक है, मेरा थोड़ा रोटी का प्रमोशन करवा, भाई भाई ने तो आज मतलब तबाही कर दिया, मतलब दुकान पे। 9 बजने वाला है और भाई और मैं अभी लग रहा हूँ काम पे, क्या क्या करना पड़ता है भाई देखो, है ना, अगर ट्रैवल करोगी तो बहुत कुछ करना पड़ता है। अभी मैं भैया को हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो बोला है कि नहीं चाहिए अभी, इसलिए मैं लेकिन पास में ही हूँ। ब्लॉगिंग में बिजी है पूरा, ब्लॉगिंग में। तो गाइस ये देख सकते हो हम लोग, तो गाइस देख सकते हो ये सब हम लोग, मतलब वो दिखा दे जल्दी यार, क्या बोलता है इधर, अदरक प्याज और मटर, यार ये सब बेताब है खाना खाने के लिए, बहुत भूखा है दिन भर, मतलब भूखा रहा, दैट्स व्हाई ऐसा कुछ बर्ताव कर रहा है आप लोगों के सामने। और ये आलू देख सकते हो हमने पूरा साफ कर लिया है, अभी ये भैया पकाएगा, आज मेन शेफ है, तो सब सब दायित्व ना जो भाई भारी। ये देख लो, ये भाई आसाम जाया था यहाँ केदारनाथ की यात्रा करने के लिए, सब्जी काट रहा है, 10,000 रुपए में नौकरी लगी, 10,000 का नौकरी हो मुझे भैया दिला रहा है, ये दे रहा है मतलब वही होना रे। तो भाई मैं अभी 1 month इधर काम करूंगा, इसके बाद ट्रैवल शुरू करूंगा, क्योंकि पैसा नहीं है ना, ये डिसीजन मतलब रहना पड़ रहा है। तो फिलहाल करता हूँ, मतलब फिलहाल प्याज काटता हूँ और मिलते हैं बाद में आप लोगों से, क्या बोलते हैं? हाँ 8 बजे निकले थे। बढ़िया ना, फिलहाल सुबह का लगभग बज रहा है 8:30 और मैं जस्ट उठ के अभी मतलब टेरिस पे आया हूँ, ऐसे ही मतलब यहाँ का व्यू देखने के लिए। कल हम लोग इधर ही रुका था बेस्ट व्यू होम स्टे में, आप लोग देख चेकआउट कर सकते हो, ये बैकग्राउंड वाओ काफ़ी मस्त लग रहा है। और यहाँ का जो ओनर है हमें इन्वाइट किया, जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग अभी कर रहा हूँ आसाम टू केदारनाथ यात्रा एंड हिचहाइकिंग करके। तो आज हमारा 19वां दिन है, जैसे कि किसी किसी को पता है और किसी को नहीं पता है, तो तहे दिल से शुक्रिया हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए, रहने के लिए, जगह देने के लिए। बिकॉज हम जो मंदिर में रुका था ना, बहुत दिक्कत हो रहा था, वहाँ का जो कमेटी था वो थोड़ा बहुत अलग बर्ताव कर रहा था हम लोगों से, मतलब जितने भी हम ट्रैवलर्स है हम उधर ही मंदिर पर रुका था, तो दैट्स वाई वो लोग थोड़ा अजीब सा वो कर रहा था हमें, मतलब मंदिर से मतलब निकालने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसा कुछ सीन है। तो इसे भी ऐसा कुछ व्यू दिखता है, तो राजस्थान टू केदारनाथ यात्रा एक्सप्लोर विद विकी ग्रूम जोनी के भाई, सभी लोग अभी तक सो रहे हैं, भैया पूरा सो रहा है अभी तक, जगा नहीं है, पूरा सो रहे हैं, पूरा मतलब कुंभकर्ण की नींद। और ये भैया सुना, हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव भाई, जय श्री केदार, जय श्री केदार। तो, आज है ना इस वाली वीडियो पे ना एक टारगेट है भाई के लिए ना, ज्यादा नहीं ना, तो 100 likes मेरी तरफ से देना आप लोग, ठीक है, ये टारगेट है आप लोगों का, आप तो जरूर करके जाना लाइक, जो भी इसको देख रहा है ब्रदर। ओके ओके थैंक यू सो मच। एंड ये सोनू भाई है ना, वो आपका होल वर्ल्ड मतलब वॉक करके ट्रैवल कर रहा है अभी फिलहाल, आपका थोड़ा वो बता दीजिए, आपका वो उनकी क्या बोलेगा, डेस्टिनेशन क्या है, आपका मोटिव क्या है? मेरा डेस्टिनेशन तो पता नहीं, ऊपर वाला डिसाइड करेगा, लेकिन इतने मुझे पता है कि जो रास्ता उसने मुझे दिखाया है, जिस कर्म के लिए मुझे भेजा है, वो कर्म मैं पूरा कर रहा हूँ। और मेरा अभी फिलहाल के लिए जो गोल है वो मेरा ये है कि मुझे ऑल ओवर, अभी पूरा ऑल ओवर इंडिया ट्रेवल करूंगा, फिर देन उसके बाद जो फिर मेरा मोनेटाइज मतलब वो हो जाएगा, मेरा इनकम का सोर्स हो जाएगा, तब मैं
थोड़ा गरीबों में जो मैं करते हुए आया हूँ, मतलब बचपन से करते हुए वो काम मैं कंटिन्यू रखूंगा, वो काम मैं और बढ़ा दूंगा। यानी पहले मैं एक दो लोगों की मदद करता था, लेकिन उसके बाद मैं पता नहीं कितनों की मदद कर पाऊँ। उसके बाद जो होगा कि जैसे फिर उसके बाद मैं ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेवल करूंगा तो लोग मुझे ज्यादा पहचानेंगे। और फिर मेरा टारगेट ये रहेगा कि मुझे एक आश्रम खोलना है बच्चों के लिए, अनाथालय खोलना है, और एक स्कूल खोलना है उनके लिए, और एक खोलना है हॉस्पिटल, और पता नहीं कॉलेज खुलेगा नहीं खुलेगा। लेकिन बस मुझे इतना करना है कि जो मेरी नजरों के सामने या फिर मेरे पास किसी का कॉल भी आए ना कि नहीं यहाँ पे ना एक बच्चा प्रॉब्लम में है, फिर ये वो है, मतलब जो भी एक्स वाई जेड मुझे कहीं ऐसा भी दिखेगा ना इंसान की इसको जरूरत है, तो वो मेरे आश्रम में पले बढ़ेगा। मतलब वो उसका सारा खर्चा जो भी एक्सपेंसिव है वो सारा मैं उठाऊंगा, बाकी वो अपने माँ बाप के साथ रहेगा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी उसका खर्चा होगा जो भी होगा वो सारा मैं उठाऊंगा। अभी हम लोग जा रहा हूँ हरी मिर्च लेने, बिकॉज हमें कुछ बनाना है। अभी फिलहाल मुझे पता नहीं क्या बनाएगा, भाई सब को पता है क्या बनाएगा, भाई का क्या बनाओगे? चिकन। चिकन? अरे चिकन नहीं रे, कुछ बनाओ, कुछ कुछ क्या चिकन तो नहीं बनेगा, पता है चावल को कुछ बनाएगा। देर को चावल है ना? बचा हुआ है तो हम उसको फ्राई करने वाले और नाश्ते में एज अ नाश्ता उसको यूज खाने वाले, पेलने वाले। तो गाइस अभी हम लोग लेने आए हो हरी मिर्च, तो लेट्स गो। और ये ऐसा कुछ मार्केट, चलो आप लोगों को दिखा देता हूँ। हमने अभी ले लिया, ये भी को या को देखो यार, इतना महंगा कैमरा लेके घूमता है भाई, हमारे तो बस मोबाइल ही काफी है। भाई का ड्रोन भी है ना आपका? कौन सा वाला है? शूट के लिए इजी ड्रोन है, DJI Mini 3 Pro। मिनी 3 Pro, DJI Mini 3 Pro। मुझे नाम भी ठीक से नहीं प्रोनाउंस करना, मतलब प्रोनाउंस भी नहीं आ रहा है, पता है आप? अरे तू फोन करने वाला था, कहां लग गया भाई? चलो भाई अभी जा रहे हो ना, कहाँ जा रहे हो आप? मैं गोरीकुंड तक जाऊंगा। गोरीकुंड तक जा रही हूँ, अच्छा अच्छा चलो। सर जैसे हमने हरी मिर्च ले लिया है, अभी जा रहा हूँ। ये देख सकते हो उत्तराखंड में मुझे ये BMW देखने को मिल गया, फर्स्ट टाइम आई हैव सीन। सो गाइस फर्स्ट टाइम आई हैव सीन BMW गाइस। तो भैया का सेव है भैया जो बना रहे कुछ, और मुझे भी आइडिया नहीं क्या बन रहा है। तो ये देख सकते हो हमारा अभी ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, ये और इसका क्रेडिट जाता है भाई को, ये भाई को, भाई फ्रॉम इंदौर, भाई फ्रॉम इंदौरी भाई को जाता है। इंदौरी नमकीन खाओगे? नहीं भाई, इंदौर इंदौर के लोगों को इंदौरी बोलता है ना, दैट्स व्हाई आई एम मतलब बोल दिया। तो गाइस अभी मेरे को भी क्रेडिट जाता है थोड़ा बहुत, और ये भाई को भी। तो गाइस ऐसा कुछ है ब्रेकफास्ट, पता नहीं उसका नाम क्या है बस। तो गुड इवनिंग गाइस, पर भी छत पे आया हूँ, और इधर देख सकते हो भैया लोग कुछ कर रहा है, क्या बना रहे? हाँ इधर वो फूल पौधे पौधे, हाँ फूल फूल है यार। तो गाइस इधर भैया लोग इधर वो करेगा, मतलब फूल लगाएगा यहाँ, गुलाब की, गेंदे के और गुड़हल के, और अच्छा 100 पीस के कन्हैया लोग, 100 पीस के लिए जो जो। और आप दोनों क्या कर रहे हैं? हम दोनों इनको देख रहे हैं, ये देखो। आपका नाम क्या था, मैं भूल गया? काजल रावत। क्या? काजल रावत। काजल रावत, बहुत सुंदर नाम है आपका, ब्यूटीफुल नेम। और ये क्या? निशा भंडारी। ओ अच्छा, नाइस नेम। पहाड़ी है, अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे बाहर वाले लोगों का जो न्यू ईयर होता है फर्स्ट और 1 जनवरी को होता है, और जो हम लोग है जो मतलब आप लोग तो पहाड़ी हो ना, हम लोग जो पहाड़ी लोग है, उत्तराखंडी लोग है, और चाहे गढ़वाल हो चाहे कुमाऊनी लोग हो, उनका ना अप्रैल के ना 15 तारीख से उसको मकर संक्रांति भी बोलते हैं, तो उस टाइम से होता है हमारा न्यू ईयर स्टार्ट। है तो अब तो मतलब काफी अपडेट हो गए लोग, तो सबके सब मतलब फर्स्ट ऐसी बात है कि 1 जनवरी से न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है। कोई हमारा मतलब पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानता गया, बट फिर भी एक परंपरा जो हमारे बचा रखी है, तो उस दिन हम पूजा करते हैं, उस दिन मतलब हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन हमारे घर में ना
पूरी पकौड़ी ये सब बनता है, समंदर ये सब त्योहार तो खाने की चीजें वो हम एक्सचेंज भी करते हैं, पूरे गांव में भी बांटते हैं, मतलब अच्छा, अच्छी तरीके से सेलिब्रेट भी करते हैं। और खास में हमारे यहाँ ना देवी देवताओं को ना बहुत ज्यादा माना जाता है, इसलिए देवभूमि बोलते हैं, कहते हैं उत्तराखंड को, चाहे कुमाऊं में हो चाहे गढ़वाल में हो। कहने को तो दोनों के दोनों कुमाऊं और गढ़वाल सेम है, बट वहाँ के ट्रेडिशनल लुक सब चीज अलग है, वहाँ की ना बोली भी अलग है और यहाँ गढ़वाल की भी अलग है, बट जो होता है रीति रिवाज दोनों के तो सेम ही सेम है क्या। थैंक यू। तो गाइस देख सकती हो क्या नाम था आपका, मैं फिर से भूल गया। काजल जी ने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लाइक थोड़ा बहुत दे दिया, तो थैंक यू सो मच इतना सारा बोलने के लिए। तो बस भाई ये देखने के लिए आ गया था मैं, तो अभी देख रहा हूँ और काजल जी से भी बात हो गया है। मेरा नाम राजन सिंह है। राजन सिंह, और आप कहाँ का रहने वाले, यूपी के रहने, यूपी लखनऊ से। अच्छा अच्छा, नवाबों के शहर के रहने वाले हैं। वही हम नवाबों के शहर से होके आ गया इधर। एप्पल वॉच किधर है, एप्पल वॉच? ओ भाई गाइस देख सकती हूँ यहाँ का बच्चा यार एप्पल वॉच पहनता है भाई यार, खतरनाक भाई गाइस देख सकते हो। और इसमें लाल लाइट जल रही है, लाल लाइट जल रहा है भाई, पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। और ये भाई इधर भी देखो भाई, इधर क्या क्या कर सकते हैं भाई साहब, वो भाई कॉल भी कर सकता है भाई, गाना सुन सकता है भाई, वीडियो देख सकते है। अरे भाई यार पहली बार देख रहा हूँ जिंदगी में। नहीं सब ये सब मजाक था गाइस। हाँ चलो खेलता हूँ एक बार, देना कैसा खेलता है देखाओ एक बार। तो ठीक है, गुलाब ने हाथ पेट काटा है, ठीक है, सब खेलते है, ठीक है। अब दिखाओ ना मुझे, ओके मैंने पास की ये उसकी बारी। हाँ हो गया, आपको आता है, मुझे दो देखो। अरे आप कहाँ से हो? मैं असम गुवाहाटी। आप भी? ये देखो गाइस, बैठ जाए बहन, ये देखो। क्या हुआ इसमें अभी, क्या बोलेगा उसको? बट्टी और अच्छा, तो सोनम बैठेगी यहाँ पे, तुम लोग भी खेलो। सोनम आ जाना यार, बैठा नहीं है मेरे को, दो वाला। आप बहुत अच्छी खेलते हो भाई, हिला नहीं। ओके ओके चलो चलो, आप नहीं खेलोगे? अच्छा, बचपन में भी खेला था, मतलब 9-10 तक खेलते रहते थे। सीएम में यहाँ आसाम में जैसे लाइक टेके ना एक बोलता है ना, सेम यहाँ में भी उत्तराखंड में भी ऐसा बोलता है ना। हाँ। टेके ना, और सेम ही है यार ये गेम, सेम ही आसाम से भी, मतलब मिलता जुलता है सब। चीटिंग कर रहे चीटिंग कर रहे हैं भैया, खेल रहे अरे इधर भी क्या कुछ चल रहा है, इधर भी इधर हमारा गेम चल रहा है अभी। क्या गेम है, कौन सा गेम का नाम क्या है, गेम का नाम क्या है? चलो कबूतर उड, तितली उड, मोर उड, कबूतर उड। तो गाइस अभी समय रात का लगभग 10 बज चुका है और अभी हमने डिनर विनर कर लिया सब, तो आज का दिन ऐसे ही गुजरा हमारा, छोटा मोटा ये सब बच्चों के साथ मजाक, मतलब गेम वगैरह वगैरह करके। तो आज का वीडियो यही था, तो मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ।